Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, aaj hum PPRA rules ka part 2 padhenge. Procurement advertisement कि जो आप चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, और एडवर्टाइजमेंट के बाद एडवर्टाइजमेंट किस किस जो हम परचेजिंग कर रहे हैं, किस आर्डर की, किस नोयत की हम एडवर्टाइजमेंट देंगे, और ये एडवर्टाइजमेंट एक किस्म की प्रोक्योरिंग एजेंसी या गवर्नमेंट की तरफ से एक इनविटेशन होती है उन सप्लायर्स को जो उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं. उस इनविटेशन के जवाब में वो टेंडर देते हैं, बिड देते हैं, अपनी ऑफर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर या फिर बिडर, जिस जो भी हम नाम लें. तो इसको सारे प्रोसीजर को पढ़ते हैं. मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के किस किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट देनी है. नंबर वन, प्रोक्योरमेंट ओवर 100,000 रुपीज़, यानी कि 1,00,000 से ऊपर, एंड अप टू द लिमिट ऑफ 2,000,000, यानी कि 1,00,000 से लेके 20,00,000 तक. 1,000,000 में 10,00,000 होते हैं. 1,00,000 से 20,00,000 की अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं फिर क्या होगा. Shall be advertised on the authority's website. अथॉरिटी क्या है, पेपरा रूल, जो पेपरा है वो अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट पे भी आप पब्लिश करेंगे. इन द मैनर एंड फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाई रेगुलेशन बाई द अथॉरिटी फ्राम टाइम टू टाइम, कि जैसे वक्तन फवक्तन ये पेपरा ऑर्डर करता है अपने रूल्स वगैरह में, और कोई अमेंडमेंट करता है या जो उस वक्त के रूल लागू होंगे, ये अपनी वेबसाइट पर भी उस चीज़ का ऐड देगा जो प्रोक्योरिंग एजेंसी रिक्विजिशन करती है, डिमांड डालती है कि हम ये चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं. अब एक बात आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि जो पेपरा है ये अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अलग से सेटअप है. इसका काम क्या है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज, जो गवर्नमेंट की जो इदारे हैं, जो भी परचेज़ करना चाहेगा और जिसकी लिमिट 1,00,000 से बढ़ती है, 20,00,000 तक की जो लिमिट आती है उसमें उसने परचेजिंग करनी है, तो ये एक अपनी रिक्विजिशन फॉरवर्ड करेगा, पेपरा की वेबसाइट पे जाके अपलोड करेगा. तो पेपरा के जब अकनॉलेज आएगा, पेपरा के पास आएगा, तो पेपरा की जब वेबसाइट पे आता है तो पार्टिसिपेशन जो सप्लायर करेंगे वो सारे के सारे पेपरा के थ्रू कर रहे होंगे करस्पॉन्डेंस. जब उनमें शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह हो जाएगी, फाइनल ऑर्डर मिलेगा, तो पेपरा उसको ऑर्डर देने के बाद उसको डायरेक्ट करेगा कि ये आपने उस जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है, जो गवर्नमेंट का इदारा है, आपने ये चीज़ उनको हैंड ओवर करनी है, डिलीवर करनी है. यानी कि एक ये रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि जो सप्लायर और बिडर हैं और जो गवर्नमेंट का इदारा है, इन दोनों को के दरमियान में एक जो बॉडी आती है जो इनको मिला रही होती है, इनके मामला तय करने के लिए एक मीडियम इंटरमीडिएट जो होता है ये होता है पेपरा. दीज प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मे आल्सो बी एडवर्टाइज्ड इन प्रिंट मीडिया, यानी कि वो एक तो वेबसाइट पे भी देंगे, इसके अलावा प्रिंट मीडिया पे भी आप देंगे. इफ़ डीम नेसेसरी बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी, अगर जो खरीदने वाली एजेंसी है वो ये लाजमी समझती है. प्रोवाइडेड दैट द लोअर फिनेंशियल लिमिट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन अथॉरिटीज़ वेबसाइट फॉर ओपन बिड, फॉर ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग शैल बी द प्रिस्क्राइब फिनेंशियल लिमिट फॉर रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन अंडर क्लास बी ऑफ द रूल 42. जब हम 42 रूल पढ़ेंगे उसके क्लास बी भी पढ़ लेंगे, उस वक्त मैं आपको और भी समझा दूंगा. यहाँ पे जो इसने एक्सप्लेनेशन पढ़ी, प्रोवाइडेड दैट द लोअर फाइनेंशियल लिमिट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑन द अथॉरिटीज वेबसाइट फॉर ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग शैल बी द प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल लिमिट फॉर द रिक्वेस्ट फॉर द, यानी कि जो लोअर लिमिट होगी तो उसकी जो कोर्ट्स वगैरह इसने रिसीव करनी है तो वो अथॉरिटी, जो अथॉरिटी की वेबसाइट है उस पे देगा.
ठीक है जी, अजान हो रही थी मैं दरमियान में, तो आपने ये एक यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे याद रखने वाला कि जो पेपरा की अथॉरिटी पे पब्लिश होगा और जो प्रिंट मीडिया पे भी देते हैं उसकी लिमिट क्या होती है। तो लिमिट है 1 लाख से लेके 20 लाख तक की वैल्यू की परचेजिंग। नंबर टू, ऑल प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओवर 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख से अगर आपकी बढ़ती है, एक तो होगी 1 लाख से 20 लाख तक की, इसके अलावा भी आपको बताऊँगा अगर हम जब पढ़ते जाएंगे तो एक होती है 25 तक पेटी कैश में आता है, 25,000 से लेके 1 लाख तक जो होती है 3 कोर्स होती हैं और वो प्रोक्योरिंग एजेंसी खुद ही कर रही होती है। फिर उसके बाद 1 लाख से 20 लाख तक होती है वो जो हमने पहले अभी प्रोसीजर पढ़ा है कि पेपरा की वेबसाइट पे आएगा, इसके अलावा प्रिंट मीडिया पे भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर प्रोक्योरमेंट जो आपकी परचेजिंग है वो एजेंसी जो आपकी परचेज करना चाह रही है गवर्नमेंट का इदारा, उसकी कीमत 20 लाख से बढ़ती है तो क्या प्रोसीजर अगर ये पढ़ते हैं अभी, 2 मिलियन रुपीज़ शुड बी एडवर्टाइज ऑन द अथॉरिटीज़ वेबसाइट, यानी कि पहले तो 1 लाख से 20 लाख तो मैंडेटरी था कि पेपरा की वेबसाइट पे हो, अब क्या है 20 लाख से बढ़ता है तो फिर वेबसाइट पे तो आपने पब्लिश करना ही है। इसके अलावा क्या करना है, एज वेल एज इन अदर प्रिंट मीडिया और न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन, आपने लोकल अखबार में नहीं बल्कि जो वाइड सर्कुलेशन जैसे एक्सप्रेस है, जंग है, डॉन है, इस तरह के अखबार में भी आपने देना है। द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर शैल प्रिंसिपली अपीयर इन एट लीस्ट 2 नेशनल डेलीज, यानी कि 2 नेशनल डेलीज में जो डेली अखबार छपते हों उन 2 में आपने देना है, एक उनमें इंग्लिश होनी चाहिए और एक उनमें उर्दू होनी चाहिए, 1 इन द इंग्लिश एंड द अदर इन उर्दू। अब आपको ज़रा थोड़ा सा जो बताता हूँ कि 25,000 की परचेजिंग अगर है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अथॉरिटी है कि वो सिंगल कोट ले, एक ही सप्लायर से कांटेक्ट करके वो चीज़ खरीद सकती है, 25,000 की ये लिमिट है। अगर 25,000 से बढ़ती है और 1 लाख तक जाती है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो परचेज कर रही है उसने 3 सप्लायर से कोटें लेनी होती है कम अज़ कम। अगर 1 लाख से बढ़ती है और 20 लाख तक जाती है परचेजिंग की लिमिट तो उस प्राइस में आपने पेपरा को डिमांड करनी और पेपरा की वेबसाइट पे वो चीज़ पब्लिश होगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ परचेज करना चाहती है, जो विलिंग सप्लायर हैं पार्टिसिपेट उसमें इस डेट तक कर सकते हैं। अब 20 लाख से जब बढ़ती है तो फिर क्या है, पेपरा की वेबसाइट पे तो पब्लिश होगा ही होगा लेकिन साथ में 2 डेली न्यूज़पेपर जो है, एक उनमें इंग्लिश हो और एक उनमें उर्दू में हो, उसमें भी ऐड देना ज़रूरी होता है। नंबर 3 है, इन केसेस वेयर द प्रोक्योरिंग एजेंसी हैज़ इट्स ऑन वेबसाइट इट मे आल्सो पोस्ट ऑल एडवर्टाइजमेंट कंसर्निंग प्रोक्योरमेंट ऑन दैट वेबसाइट एज वेल। ये एक एडिशनल बात है कि अगर जो इदारा कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है पेपरा के साथ साथ वो अपनी वेबसाइट पे भी दे सकता है और इस वेबसाइट पे जो देता है वो 25,000 की भी बात हो सकती है, 1 लाख की भी हो सकती है, 20,000 की भी हो सकती है, जितनी भी उसने परचेजिंग करनी वो अपनी वेबसाइट पे, तो उस पे कोई लिमिट नहीं है कि वो अपनी वेबसाइट पे दे, उसके लिए कोई लिमिट नहीं। लेकिन पेपरा पे जब जाएंगे तो 1 लाख से जो ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपने पेपरा की तरफ जाना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। नंबर 4 है, ए प्रोक्योरिंग एजेंसी यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन पोस्टेड ऑन द वेबसाइट इज़ कंप्लीट फॉर द पर्पजेज फॉर विच इट हैज़ बिन पोस्टेड एंड सच इंफॉर्मेशन शैल रिमेन अवेलेबल ऑन दैट वेबसाइट अनटिल द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ बिड्स। अगर आप कोई टेलीविजन पर देते हैं या आप अपनी वेबसाइट पर कोई देते हैं प्रिंट मीडिया को यूज़ करते हुए, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हुए आप जब उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आप ये कंफर्म करें कि जितनी आप जो ऐड दे रहे हैं उसकी सारी की सारी डिटेल क्लियर होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला फुली उसको समझ सके, उसमें कोई एम्बिगुटी या उसमें मुबहम कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सेक्शन 13 है कि जब आपने अखबार पे दे दिया, पेपरा की वेबसाइट पे चला गया या आपने अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश कर दिया तो
कितना टाइम होता है या कितना टाइम आप कम अज़ कम देंगे सप्लायर को कि वो इस जो आप ऑफ़र दे रहे हैं उसके जवाब दे, जो इनविटेशन कर रहे हैं उसमें ऑफ़र जो बिडर है वो सबमिट करवाए। नंबर वन, द प्रोक्योरिंग एजेंसी मे डिसाइड द रिस्पांस टाइम फॉर रिसीट ऑफ बिड और प्रपोजल इंक्लूडिंग प्रपोजल फॉर प्री क्वालिफिकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट और नोटिस, कीपिंग इन व्यू द इंडिविजुअल प्रोक्योरमेंट्स कम्प्लेक्सिटी अवेलेबिलिटी एंड अर्जेंसी। कहता है कि ये प्रोक्योरिंग एजेंसी का अपना एक मैंडेट है, उसकी अपनी मर्जी के वो कितना टाइम देती है, और उसके लिए अगर वो परी क्वालिफिकेशन के लिए भी इनवाइट करना चाहती है तो उसमें ये भी इनविटेशन शामिल होगी, परी क्वालिफिकेशन के लिए भी टाइम की ये लिमिट शामिल है। परी क्वालिफिकेशन ये होती है कि लेट सपोज अगर आपने कोई सादा चीज़ ख़रीदनी है तो फिर तो आप सिंपली वो चीज़ कहते हैं कि जी ये चीज़ है हमें चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि यूनिक किस्म की है, कोई बड़ा किस्म का प्रोजेक्ट है और हर सप्लायर कंट्रैक्टर या उसमें फाल नहीं कर सकता, तो आपने सबसे पहले तो ऐसे सप्लायर्स को छांटी करनी होती है जो आपके क्राइटेरिया को मीट करते हों। फिर जो क्राइटेरिया मीट करते हैं आप उनसे फिनेंशियल ऑफ़र लेते हैं। तो ये जो प्री क्वालिफिकेशन होती है कि यानी कि वो इस चीज़ का अहल भी है कि नहीं कि वो उसमें पार्टिसिपेशन कर सके या उसको ऑर्डर दिया जाए तो वो फुलफिल कर सके, तो इसके लिए वो कहते हैं प्री क्वालिफिकेशन। आगे पढ़ते हैं, हाउ एवर अंडर नो सर्कमस्टांसेस द रिस्पांस टाइम शैल बी लेस देन 15 डेज, यानी कि कोई भी हालात हों कम अज़ कम 15 दिन तो आपने देने, 15 दिन से कम आपने उसको टाइम नहीं देना। जब आप पब्लिश करेंगे तो उस टाइम से ये लेके लग टाइम स्टार्ट होता है, तो कम अज़ कम 15 दिन तो आपने उसको देने। फॉर नेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग, यानी कि अगर आपके सप्लायर जो हैं विद इन कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं या विद इन कंट्री आपने सर्कुलेशन की है कि पाकिस्तानी सप्लायर कंट्रैक्टर ही कंटेक्ट करें, तो उनके लिए 15 दिन का। अगर एंड 30 डेज फॉर इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग फ्राम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट और नोटिस, अगर इंटरनेशनली आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो फिर 30 डेज आप कम अकम रखेंगे। अब दो ये रखने वाली याद रखने वाली बातें हैं कि आपने कितना टाइम दे सकते हैं, ये तो मर्जी है उस प्रोक्योरिंग एजेंसी की, लेकिन कम अज़ कम अगर नेशनली एक आपके नेशनल यानी कि आपके पाकिस्तानी सप्लायर सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कम अज़ कम 15 दिन, अगर इंटरनेशनल कम्पिटिटिव है कम्पिटिटिव बिडिंग है तो फिर उसके लिए 30 डेज। ऑल एडवर्टाइजमेंट और नोटिसेस शैल एक्सप्रेसली मैंशन द रिस्पॉन्स टाइम, और उस जो आप ऐड देंगे उसमें टाइम भी आपने लिखना है कितना टाइम आपको अलाउड है। फॉर दैट पार्टिकुलर प्रोक्योरमेंट अलॉन्ग विद द इन्फॉर्मेशन फॉर कलेक्शन ऑफ बिड डॉक्यूमेंट्स विच शैल बी इशूड टिल ए गिवन डेट, अलाउंग सफिशेंट टाइम टू कम्प्लीट एंड सबमिट द बिड बाई द क्लोजिंग डेट, प्रोवाइडेड दैट नो टाइम लिमिट शैल बी अप्लाइकेबल इन केस ऑफ एमरजेंसी। यानी कि अगर एमरजेंसी नहीं है तो फिर तो आपने ऊपर जो टाइम पड़ा है वो आपने याद रखना है कि 15 दिन और 30 दिन। इसके अलावा आपने उसको कम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी देनी होती है और उसको देना होता है तरीक़ाकार के ये आप अपनी जो ऑफ़र है बिड है ये कैसे आप सबमिट करवा सकते हैं उसको तरीक़ाकार, और उसको डेस्टिनेशन किस जगह पे वो सबमिट करवाएगा, कैसे भेजेगा, क्या एड्रेस होगा, ये सारी की सारी डिटेल आपने देनी होती हैं। नंबर टू, द रिस्पांस टाइम शैल बी कैलकुलेटेड फ्राम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज़पेपर और पोस्टिंग ऑन द वेबसाइट एज द केस मे बी। अगर आप अखबार में दे रहे हैं तो उस अखबार वाला दिन जिस दिन की अखबार है उससे शुरू होगा, अगर आप वेबसाइट पर दे रहे हैं तो जिस दिन आप वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं उस दिन से टाइम आपका शुरू होगा। नंबर थ्री, इन सिचुएशन वेयर पब्लिकेशन ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट और नोटिसेज हैज़ अकर्ड इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया द रिस्पांस टाइम शैल बी कैलकुलेटेड फ्राम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है ये थ्री सेक्शन सब सेक्शन थ्री वाला, कि टाइम कब से शुरू होगा, जब दोनों में दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी दे रहे हैं आप, प्रिंट मीडिया पे भी दे रहे हैं, प्रिंट मीडिया मीन न्यूज़पेपर, आप दोनों में जब ऐड देते हैं तो टाइम कहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, तो प्रिंट मीडिया इसका जवाब है कि जब आप न्यूज़पेपर पे देते हैं उस न्यूज़पेपर का, यानी कि आप वेबसाइट पे भी देते हैं और न्यूज़पेपर पे देते हैं, तो वेबसाइट पे आप एक दिन पहले दे देते हैं जबकि न्यूज़पेपर में एक दिन बाद में पब्लिश होता है, तो टाइम आपका स्टार्ट होगा अखबार वाली डे से लेके, ये क्लियर रखना है, याद रखना है। एक्सेप्शन,
कुछ इस पे ये जो हमने प्रोसीजर पढ़े हैं कि 15 दिन का टाइम, 30 दिन का टाइम, ये तरीक़ाकार वो तरीक़ाकार, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जिनको आप ओवरलैप कर सकते हैं, जिनको आप फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। वो कौन सी सिचुएशंस हैं उनको पढ़ते हैं, एक्सेप्शन क्या है। इट शेल बी मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज टू एडवर्टाइज ऑल प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल लिमिट विच इज़ अप्लाइकेबल अंडर सब क्लास 1 ऑफ क्लास बी ऑफ रूल 242। हाउ एवर अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस डेविएशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट इज परमिसिबल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन सी है? पेपरा की आपने इजाज़त पहले लेनी होती है। लेकिन आपको ये बता दूँ कि ये 42 सेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल लिमिट वो सारी की सारी फिर डिटेल से आएंगी। तो वही आपको बता रहा हूँ कि 1 लाख से जब 20 लाख तक आता है या 20 लाख से आपकी परचेजिंग की वैल्यू बढ़ती है तो आपने पेपरा की वेबसाइट पे देना होता है। अगर आपने वेबसाइट पे देना भी है लेकिन उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, कुछ हालात ऐसे हैं कि आप उसको पेपरा के रूल्स को उस टाइम को की तरफ जाएंगे, प्रोसीजर की तरफ जाएंगे, तो आप जिस चीज़ को जिस मकसद के लिए ख़रीद रहे हैं तो वो मकसद पूरा नहीं होगा, तो आप गवर्नमेंट का ज़्यादा लॉस हो सकता है, कुछ जानी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो आपने पेपरा से पहले इजाज़त लेना होती है कि आपको ये कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वजह से आप पेपरा पे नहीं जा रहे। ए और बी ये दो हैं आपके पास कि कौन कौन से हालात हैं जिनमें आप पेपरा के जो प्रोसीजर हैं उनको फॉलो ना भी करें तो चल जाता है। द प्रपोज्ड प्रोक्योरमेंट इज़ रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इट्स पब्लिकेशन कोड जेपर्टाइज नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि आपका ये जो मामला है, जो चीज़ आपने परचेज़ करनी है, अगर आप किसी अखबार वगैरह में देते हैं या आप वेबसाइट पे देते हैं तो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी को के लिए एक ख़तरा बन सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि कोई आप असलाह वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, कोई मिज़ाइल, कोई राइफ़ल वगैरह किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने ख़रीदनी है तो उसका पेपरा की वेबसाइट पे जाना ख़तरनाक हो सकता है। इस तरह के हालात हों तो आपने वो चीज़ पेपरा पे नहीं देनी, तो आपने उससे एक्सेप्शन ले लेनी है। तो जब आप उससे इजाज़त ले लेंगे तो उसकी फिनेंशियल लिमिट जो भी हो आप पे वो कोई नहीं है। आप नाम पब्लिश करें तो आपको कोई नहीं, गवर्नमेंट के कोई ऑडिट वाला नहीं पूछेगा कि आपने ये प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया। पार्ट बी है द प्रपोज प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट और नोटिस और पब्लिकेशन ऑफ इट इन एनी मैनर रिलेट्स टू डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोप्राइटरी इन नेचर और फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इज़ अवेलेबल फ्राम ए सिंगल सोर्स। यानी कि एक तो ये हो गया कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी को अगर कोई मसला हो सकता है तो आपने प्रोसीजर नहीं फॉलो करने। दूसरे नंबर पे ये है कि आप ऐसी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं जो इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो एक ही है। लेट्स सपोज आपने हुंडा मोटरसाइकिल ख़रीदनी है तो आप उसको, जब आपने ख़रीदनी हुंडा मोटरसाइकिल है तो आप हुंडा की कंपनी सिर्फ एक ही दे रही है तो उसका ऐड देना ज़रूरी नहीं है। और दूसरे नंबर पे जब आपकी कोई और चीज़ ख़रीद रहे हैं तो जो सिर्फ़ एक ही मैन्युफैक्चरिंग इदारा है या ऑर्गेनाइजेशन है तो आप डायरेक्टली उनसे कमिटमेंट करेंगे तो इस सूरत हाल में आपको ऐड देना ज़रूरी नहीं। प्री क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर। यानी कि जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, प्री क्वालिफिकेशन कहती है, डिसक्वालिफिकेशन क्या होता है और ये सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर के साथ हम कैसे लेके चलते हैं, अभी हम ये पढ़ने लगे हैं। सेक्शन 15 है, सेक्शन भी याद रखने की कोशिश करें क्योंकि इनमें से भी आ सकता है। एक दो ऐसे पेपर आए थे जिनमें उन्होंने सेक्शन का भी पूछ लिया था कि ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक किस चीज़ के बारे में है, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए ताकि आप एस्टिमेटेड गैस लगा सकें और याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 1, प्रोक्योरिंग एजेंसी प्रायर टू द फ्लोटिंग ऑफ टेंडर्स इनविटेशंस टू प्रपोजल्स और ऑफर्स इन प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स मे एंगेज इन प्री क्वालिफिकेशन ऑफ बिडर्स इन केस ऑफ सर्विसेज सिविल वर्क्स टर्नकी प्रोजेक्ट्स एंड इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्सपेंसिव एंड टेक्निकली कम्प्लेक्स इक्विपमेंट टू इंश्योर दैट ओनली टेक्निकली एंड फिनेंशियली कैपेबल फर्म्स हैविंग एडिक्वेट मैनेजेरियल कैपेबिलिटी आर इन्वाइटेड टू सबमिट बिड्स। सच प्री क्वालिफिकेशन शैल सोलली बी
based upon the ability of the interested parties to perform that particular work satisfactorily. यानी कि आप एक कोई कंप्लेक्स या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे एंगेज करना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपने सिर्फ उन्हीं फॉर्म्स के साथ एंगेज होना है जो प्री क्वालिफाई करें. प्री क्वालिफाई मीन कि वो फिनेंशियली या उनका एक्सपीरियंस वगैरह इतना है कि वो आप इस टास्क को कर सकते हैं, तो आपने उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्री क्वालिफिकेशन के लिए इनवाइट करेंगे कि हम ये काम, ये प्रोजेक्ट है, ये काम करवाना, तो एक पुल बनाना चाहते हैं या एक रेल की पटरी बिछवाना चाहते हैं, तो जो कंपिटेंट हैं या जो एलिजिबल हैं या जो काफ़ी काम कर सकते हैं, जिनका एक्सपीरियंस हो, वो पार्टिसिपेट करें. वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं जिसमें एक्सपीरियंस शो करते हैं या उन्होंने जो कोई प्रोजेक्ट पहले किया हो तो वो बताते हैं कि हमने ये काम किया हुआ, तो इसलिए हमारे लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमें ऑर्डर मिलता है तो हम कर सकते हैं. तो यानी कि आपने सबकी एलिजिबिलिटी को कन्फर्म करना होता है प्री क्वालिफिकेशन में. नंबर टू है, ए प्रोक्योरिंग एजेंसी वाइल एंगेजिंग इन प्री क्वालिफिकेशन मे टेक इन टू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स नेमली. अब ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सब सेक्शन टू जो है 15 का, कि जो सप्लायर्स जिनकी प्री क्वालिफिकेशन आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनमें क्या क्या चीज़ देखी जाती है. तो ये एक क्वेश्चन में आया, एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये चीज़ें ज़रूरी, तीन चार चीज़ें पूछी गई थी, दूसरे में कुछ तीन चार और चीज़ें पूछी गई थी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है प्री क्वालिफाई करने के लिए. तो आपने ये याद रखना है प्री क्वालिफिकेशन के लिए जो सप्लायर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है. रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड पास्ट परफॉर्मेंस उसके पास, यानी कि पहले माजी में वो कोई काम इस तरह का कर चुका है. सेकंड क्या है, कैपेबिलिटीज़ विद रेस्पेक्ट टू पर्सनल, यानी कि उसके पास इतने लोग भी हैं, इतने एक्सपर्ट भी हैं, वो काम ये कर सकते हैं. फिर क्या है, इक्विपमेंट, उनके पास ऐसा साजो सामान भी है एंड प्लांट, इक्विपमेंट एंड प्लांट भी है उनके पास. फिनेंशियली पोजीशन, फिर फिनेंशियली उनके पास इतना पैसा भी है, वो फिनेंशियली इतने स्टेबल हैं कि इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकें, फंडिंग कर सकें, काम करवा सकें. अप्रोप्रिएट मैनेजेरियल कैपेबिलिटी, मैनेजेरियल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए उनके पास. एंड एनी अदर फैक्टर दैट प्रोक्योरिंग एजेंसी में डीम रेलिवेंट नॉट इनकंसिस्टेंट विद दीज रूल, यानी कि कोई और भी ऐसी चीज़ शर्त रखी जा सकती है प्रोक्योरिंग एजेंसी की तरह से जो इन रूल्स को वायोलेट ना कर रही हो. तो अब आपने याद क्या रखना है, एक तो पास्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर कैपेबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनल, उनके पास लोग ऐसे होने चाहिए, फिर उनके पास सामान और मशीनरी ऐसी होनी चाहिए, फिर उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, फिर उनकी मैनेजेरियल कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए. ये तीन चार जो पॉइंट्स हैं अपने माइंड में बिठा लेने हैं कि प्री क्वालिफाई करने के लिए प्रोक्योरिंग एजेंसी ये चीज़ें देख सकती है या इसके अलावा कोई चीज़ और भी देख सकती है, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट विद दीज रूल नहीं होनी चाहिए. प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस क्या है. नंबर वन, द प्रोक्योरिंग एजेंसी एंगेजिंग इन प्री क्वालिफिकेशन शैल अनाउंस, यानी कि जो इदारा काम करवाना चाहता है वो अनाउंसमेंट करेगा इन द प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ द प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिक्वायर्ड बाय द सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स टू डेमोंस्ट्रेट देयर रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन दैट द प्रोक्योरिंग एजेंसी डीम्स नेसेसरी फॉर द प्री क्वालिफिकेशन. यहाँ पे वो इस बात में ये कहना चाहता है कि जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो अनाउंसमेंट करेगी कि प्री क्वालिफिकेशन के लिए हम इस डेट से इस डेट तक फलां फलां डॉक्यूमेंट, फलां फलां प्रूफ हमें भेजें ताकि हम देख सकें कि ये जो लोग हैं वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. नंबर टू है, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल प्रोवाइड ए सेट ऑफ प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स टू एनी सप्लायर और कंट्रैक्टर ऑन रिक्वेस्ट एंड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्राइस इफ एनी एक्सप्लेनेशन. इसकी क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल प्राइस मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स ओनली. यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास सेट ऑफ एक डॉक्यूमेंट्स आप ऐसे तैयार करते हैं कि वो जो सप्लायर है, जो जो इंटरेस्टेड है, वो अगर फिलअप करके आपको दें तो आप इजीली उनको डिटरमिन कर सकते हैं और आप ये बताएंगे उन सप्लायर को कि हम ये क्राइटेरिया मेनली देखेंगे, इसमें जो फॉल करेगा हम उसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम उनको ड्रॉप कर देंगे. ये प्रोक्योरिंग एजेंसी का सप्लायर्स को बताना ज़रूरी है. तो जो फॉर्म्स हैं या प्रिंटिंग प्रिंट करके आप उनको देते हैं कि ये जी फिलअप करके भेजें, तो जो सप्लायर उन फॉर्म्स को, डॉक्यूमेंट्स को लेना चाहता है, आप उनको प्रोवाइड करेंगे
और आप उनको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि जो आपने उस फॉर्म्स वगैरह को प्रिंट करवाने पर खर्चा किया है। नंबर थ्री है, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल प्रॉम्प्टली नोटिफाई ईच सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन टू प्री क्वालिफाई वेदर और नॉट इट हैज़ बीन प्री क्वालिफाइड एंड शैल मेक अवेलेबल टू एनी पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस अपॉन रिक्वेस्ट द नेम्स ऑफ ऑल सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैव बीन प्री क्वालिफाइड। ओनली सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैव बीन प्री क्वालिफाइड शैल बी इंटाइटल टू पार्टिसिपेट फर्दर इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे वो कहना चाहता है कि जो पार्टिसिपेट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि हम क्वालिफाई हुए या नहीं, तो आपको तो पहले नंबर पे जो ही आप क्राइटेरिया चेक करेंगे, उनके बाद उनको बताएंगे कि आप क्वालिफाई हुए या नहीं। अगर नहीं बताते तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उनको बताएंगे कि वो क्वालिफाई हुआ या नहीं, और उनको ये पूरा बताएंगे कि कौन कौन से सप्लायर क्वालिफाई हुए हैं, और जो क्वालिफाई करेंगे प्री क्वालिफिकेशन में उन्होंने ही आगे फर्दर जितनी आपकी बिडिंग वगैरह का जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ड्रॉप हो जाएंगे वो फर्दर उसके साथ कोई क्रॉसपंडित नहीं होगी और फर्दर प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। नंबर फोर है, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल कम्युनिकेट टू दो सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैव नॉट बीन प्री क्वालिफाइड द रीजंस फॉर नॉट प्री क्वालिफाइंग देम। यानी कि अगर कोई ड्रॉप हो जाता है किसी की वजह से, तो आपने उसको बताना है कि ये वजह थी कि हमने आपको ड्रॉप किया। अगर वो कोई जवाब देता है कि ये जो उसकी गलती से हुआ था या कोई और वो सबूत दे देता है, तो आप उसको कंसीडर कर लेना। सेवनटीन है जी, सेक्शन 17 क्वालिफिकेशंस ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि क्या क्या कौन कौन से जो क्वालिफाई करेंगे। ए प्रोक्योरिंग एजेंसी एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स हैविंग क्रेडिबल रीजंस फॉर एन फॉर और प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द डिफेक्ट इन सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स कैपेसिटीज मे रिक्वायर द सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग देयर प्रोफेशनल टेक्निकल फाइनेंशियल लीगल एंड मैनेजेरियल कंपिटेंस वेदर ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड और नॉट प्रोवाइडेड दैट सच क्वालिफिकेशन शैल ओनली बी लेड डाउन आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन्स देयर फॉर इन राइटिंग दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग। यानी कि जब आप प्रोक्योरमेंट के ये एक प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो एक जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है उसको किसी पे शक होता है कि इसके ये फलां फलां चीज़ में वीकनेस है, तो वो उससे इन राइटिंग मांग सकती है कि ये चीज़ भी हमें प्रोवाइड करो, और वो चीज़ भी जो देगा वो आपने जो उससे मांगेंगे वो इन राइटिंग कहेंगे कि ये चीज़ हमें प्रोवाइड करे, और जब वो प्रोवाइड कर देता है तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ हिस्सा बना लेना अगर आप सेटिस्फाई होती हैं। अगर आपने देखा कि जो आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा मांगी है लेकिन वो प्रोवाइड नहीं कर सकता और ये आप समझते हैं कि ये ज़रूरी थी, तो वो जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है उसको ड्रॉप भी कर सकती है, उसके पास ये राइट होता है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल डिसक्वालीफाई ए सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर इफ इट फाइंड्स एट एनी टाइम दैट द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई हिम कंसर्निंग इज डिसक्वालिफिकेशन एज सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर वॉज फॉल्स एंड मटेरियली इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट। यानी कि कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स में आप मांगते हैं वो नहीं देता है, या जो देता है वो इनकम्प्लीट होती है, या जो समझते हैं कि ये जो इसने दी है वो ठीक नहीं है, गलत है, और आप उसकी छानबीन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसने गलत दी थी, तो आप उसको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। ब्लैक लिस्टिंग ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, कौन कौन से सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनको आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। द प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल स्पेसिफाई ए मैकेनिज्म एंड मैनर टू परमानेंटली और टेम्परेरीली बार। यानी कि जो प्रोक्योरिंग एजेंसी वो बताएगी कि हम किसको कब बार कर सकते हैं परमानेंटली या टेम्परेरीली फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दियर रेस्पेक्टिव प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर हु आइदर consistently fail to provide satisfactory performance or are found to be indulging in corrupt or fraudulent practices। यानी कि वो अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स देते हैं जो फ्रॉड होता है या जो गलत होते हैं, या फिर वो कोई ऐसे प्रोसेस में वो कोई ऐसी गलत चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं जो फ्रॉड के ज़मरे में आती है, या वो कोई बाकायदा तौर पे रेगुलरली कोई गलत काम कर रहा है, तो आप उसको देख लेते हैं तो आप उसको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। सच बारिंग action shall be duly publicized and communicated to the authority provided that any supplier or contractor who is to be blacklisted shall be accorded adequate opportunity of being heard। तो आपने पेपरा
को ये बताना होता है कि आप इसके खिलाफ़ ये एक्शन ले रहे हैं, और जो जिस बंदे के खिलाफ, जिस सप्लायर के खिलाफ ये आप एक्शन लेते हैं, उसको भी आपने एक मौका देना होता है कि वो अपनी बात बता सके, अपनी क्लैरिफिकेशन दे सके। अगर क्लैरिफिकेशन देने में वो फेल हो जाता है या नहीं देता, तो आप उसको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग सॉरी आस्क्ड फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, पिछले एक लेक्चर में एक दोस्त ने कमेंट किया था, एक सवाल पूछा था, वो भी मैं अभी आपको उसका आंसर दे देता हूँ। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जवाब दूंगा। इंटेग्रिटी पैक्ट, इंटेग्रिटी पैक्ट ये होता है कि इंटेग्रिटी आपको पता है कि मतलब पैक्ट का होता है एक मुआहदा होना। इंटेग्रिटी यानी कि किसी की हक तलफी ना हो। अब देखें, एक प्रोक्योरिंग एजेंसी है, बाकी सप्लायर है। अब कोई भी अपनी हद से तजावज़ करेगा तो दूसरे के हक पे उसकी हक तलफी होगी। कैसे? लेट्स सपोज आप एक जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो कोई ऐड ऐसा देती है जो आम तौर पे हर सप्लायर वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ एक ही प्रोवाइड कर सकता है। तो आपका मकसद है सिर्फ एक उसको ऑर्डर देना, लेकिन उसकी एक कोई चीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं जो सिर्फ एक के पास से ही मिले, बाकी जो दूसरे लोग उस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं वो टाइम अपना ज़ाया करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी गलती की वजह से या आपकी करप्शन की वजह से वो सारे के सारे दूसरे जो हैं सप्लायर, उनकी हक तलफी हुई और ऑर्डर किसी और को चला गया। या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, बिडर्स होते हैं, वो कोई ऐसी बिड देते हैं, कोई ऐसी ऑफ़र देते हैं जो सही नहीं होती, या जो वो किसी अपने जो गवर्नमेंट का इदारे में ऑफिशियल्स होते हैं उनको कोई करप्शन की कोई लालच देता है, कोई उसको ऑफ़र देता है। तो ये भी फिर क्या होता है कि वो तो अपना ऑर्डर ले जाता है, लेकिन दूसरे जो सप्लायर्स हैं उनकी हक तलफी होती है। यानी कि जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है उनके जो काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं और जो पार्टिसिपेशन करने वाले सप्लायर्स हैं, हर एक पे लागू होता है कि कोई भी अपनी हद से तजावज़ ना करे, ठीक ठीक चीज़ें प्रोवाइड करें। यानी कि ऑफिशियल अपना ठीक काम करें और सप्लायर अपना ठीक ठीक काम करें, और कहीं पे भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ी सी आगे क्लैरिटी बताता हूँ। प्रोक्योरमेंट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट शैल बी सब्जेक्ट टू एन इंटेग्रिटी पैक्ट। यानी कि जैसे मैंने आपको फिनेंशियल लिमिट बताई कि 25,000 तक कि अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं तो ये शर्त होनी चाहिए, 1,00,000 तक है तो ये शर्त होनी चाहिए, 1,00,000 से 20,00,000 तक की परचेजिंग कर रहे हैं तो ये शरायत होनी चाहिए, 20,00,000 से ऊपर बढ़ती हैं तो ये शरायत होनी चाहिए। अब ये क्या है कि 1,00,000 तक का अगर आर्डर है तो आपने ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ही परचेज करना होता है। अब अगर फर्ज किया आपका आर्डर 1,50,000 पर चला जाता है जो आप परचेजिंग करना चाहते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि पेपरा की तरफ कौन जाए, कौन लेटर लिखे, कौन उनकी वेबसाइट पर अपलोड करे, कौन इस प्रोसेस में जाए। हम क्यों ना इसको एक 60,000 का ऑर्डर बना देते हैं, एक 90,000 का बना देते हैं, तो 1,50,000 की हम परचेजिंग इस तरीके से कर लेंगे। यानी कि आपकी टोटल अमाउंट थी 1,50,000 की परचेजिंग, आपने उनको बाई पार्ट क्यों कर दिया, बाई दो हिस्सों में, ताकि आप पेपरा की तरफ ना जाएं, आपका टाइम ज़्यादा लंबा ना लगे, या बल्कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना ज़्यादा तैयार करने पड़े। तो इससे क्या करेंगे आप, शैल बी सब्जेक्ट टू एन इंटीग्रिटी पैक्ट एज स्पेसिफाइड बाई रेगुलेशन विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बिटवीन द प्रोक्योरिंग एजेंसी एंड द सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स। आप ये काम इसलिए करते हैं, लेकिन अगर फर्ज किया आप इस इंटेग्रिटी पैक्ट को वायलेट भी कर रहे हैं और 1,50,000 की खुद ऑर्गेनाइजेशन परचेज करना चाहती है, फिर क्या करेगी, वो फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेगी कि हमारी और सप्लायर की इतनी चल रही है, हम ऑर्डर एक दफ़ा दे देते हैं, हम जो सप्लाईज वगैरह हैं बाई पार्ट लेंगे। तो गवर्नमेंट उसकी इजाज़त दे दे कि आपकी भले चीज़ परचेजिंग जो है 1,50,000 की कर रहे हैं, 2,00,000 की कर रहे हैं, 2,50,000 की कर रहे हैं, जितने की भी आप कर रहे हैं, तो आप पेपरा पे ना जाना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आप उसको अपने तौर पे ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह का जो होगा वो फेडरल गवर्नमेंट उसको परमिट करेगी, और जो पेपरा है ये भी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। जब फेडरल गवर्नमेंट उसको परमिट कर देगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन पेपरा के रूल्स को फॉलो ना भी करे तो वो चल जाता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने आपका जो आर्डर है, जो फिनेंशियल लिमिट है, उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो पेपरा की रिक्वायरमेंट है, उनको आपने फुलफिल करना होता है। इसको कहते हैं इंटेग्रिटी पैक्ट। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा। अगर अभी तक भी आपको समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह जब आगे चलते जाएंगे, चीज़ें पढ़ते जाएंगे, तो आपको ये कंसेप्ट और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, और
मैं लिंक दे दूंगा। अगर कोई व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर हों और मेरी एफर्ट्स भी जब ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनको फ़ायदा होगा, तो मुझे भी एक इंस्पायरेशन मिलेगी कि मेरी कोशिश से दूसरों को फ़ायदा हो रहा है और मैं और भी अच्छे से कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसका जवाब भी दूँगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।